जिबला और साहिब सज्जादा आस्थाने आलिया हजरत दादा जमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत सैयद मोइनुद्दीन शाह साहब तिबला और जितने भी यहाँ पर उलमाए किराम सादाते किराम बैठे हैं, हजरत सैयद मुमताज शाह साहब तिबला अली फैजुल नाइब मिल्ला पर तमाम उलमा और तमाम आइमा हजरात, सुनिए किसी शायर ने कहा था ये किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि कोई खेड़ का कब्र के राजा थे, कोई यार खजीने के खेड़ का होगा। आप तमाम हजरात हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा था हजरत से एक मतलब पहले की हैसियत नाजिम वास्ता पढ़ा और अगर थोड़ी बहुत तो पंजाबी मुझे यकीन है कि समझते हैं। किसी शायर ने कहा कि कोई खेड़ का तख्त पे ताजा थे, कोई यार खजीने के खेड़ दाए, कोई खेड़ का पैर के दरिया विच, कोई बैठ के जीने ते खेड़ दाए, कोई खेड़ का चढ़ बुलंदियां थे, कोई खेड़ का चढ़ बुलंदियां थे, कोई बैठ सफीने ते खेड़ दाए, इको हाकिम लाल है फातिमा का जरा नबी के सीने से खेल गए, एक हाकिम लाल है फातिमा का जरा नबी के सीने से खेल गए। उस हुसैनी लाल का लाल आज हमारे सामने मौजूद है। बिला तआखीर मैं हजरत की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज करूंगा कि कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और हमने हमें अपने मवाइज हसना से नवाजें। बस इस शेर के साथ उससे पहले दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर अजीम खतीब का इस्तकबाल अजीम अंदाज में करें नारे तकबीर। आपकी आवाज अभी थोड़ी डाउन है, दोनों हाथों को उठाकर जो पीछे लोग खड़े उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। नारे सैयदी खिला दे आ हयात रूह का रंगी सबक पढ़ा दे आ हयात रूह का रंगी सबक पढ़ा दे आ नहीं है फिक्र हमें नहीं है फिक्र हमें रुकातो बरंगी की ये कौन सो गई है इसको जरा जगा दे आ। सोने की अंगूठी पहना ले आग लगे ऐसे काजी की जमीन को कौन रोकने वाला। इसलिए काजी साहब का सब जगह के काजी साहब ऐसे नहीं है लेकिन अक्सर काजी को तो चाहिए कि मैं सोना नहीं पहनाऊंगा। कहा कि मत करो झगड़ा मत करो प्यार से ही तो हो जाएगा। हमारा मसला तो प्यार ही मसला है।